कोई नहीं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपांशु डोगरा, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो सॉरी वीडियो नहीं डाल पाया कुछ दिन से, तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ हिंदी से रिगार्डिंग। ठीक है, मैंने एक कमेंट में भी बताया था कि हिंदी और इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, जेल बॉर्डर एग्जाम। ठीक है, अगर उसको आप ढंग से प्रिपेयर करते हैं तो आप अच्छे ढंग से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू है नहीं, मेरिट बननी है मार्क्स के बेस पे। ठीक है, हिंदी उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। मैंने कुछ बताए थे आपको, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, मुहावरे हो गए, एक वाक्य के लिए अनेक वाक्यों के लिए, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो भी बताए थे। वो सब चीजों को रोज करते रहना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन उससे, पर हम बाकी भी अपनी तरफ से तैयार करेंगे जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब हिंदी की मैं स्टार्ट करेंगे हम बेसिक से कि भाषा क्या होती है। भाषा बेसिकली, भाष शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है बोलना। ये सबको पता होगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी क्या मतलब, थोड़ा स्टार्ट बेसिक कर देते हैं हिंदी का, ताकि एग्जाम के करते करते हम हिंदी को खत्म कर दें। भाषा बेसिकली क्या होती है, उसका अर्थ होता है बोलना, ये सबको पता है। ठीक है, अब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो वो है वाक्य। सार्थक इकाई का मतलब क्या हुआ कि एक भाषा है उसको मतलब हम किस वे में लिखित रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सार्थक अच्छा वे, एक ढंग का वे, तो वो वाक्य। वाक्य लिखेंगे उसी से हमें, मतलब मैं खेलता हूं ये एक वाक्य हुआ, उसी के बेस में हम अपने व्यक्त कर पाएंगे लिखित वे में। बोलने में तो हम बोल देंगे, ठीक है, लिखित में हम इसी वे में व्यक्त कर पाएंगे, तो ये भाषा की सबसे सार्थक इकाई है। अगर मैं बात करूं सबसे छोटी इकाई भाषा की, अब भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करूं मैं, तो वो है आपकी ध्वनि। ध्वनि भी बोल सकते हैं और वर्ण भी बोल सकते हैं, ये दोनों एक चीज सेम है। वर्ण, वर्ण क्या होते हैं मैं बताऊंगा। सबसे छोटी इकाई किसी भी चीज की, अब आगे आप स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे छोटी इकाई वर्ण से ही शुरू होती है। स्वर व्यंजन मिला के वर्ण ही तो बनते हैं। ठीक है, और ध्वनि एक हमारी जो आवाज निकल रही है, ये ध्वनि, ध्वनि और वर्ण इज द सेम थिंग। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है भाषा की, तो आपने लिखना है वहां पे, अगर ऑप्शन ध्वनि दिया होगा और तीन अलग ऑप्शन होंगे तो ध्वनि, अगर वर्ण दोनों कभी नहीं दिए होंगे, ठीक है, ये तो वर्ण दिया हुआ है ध्वनि। ठीक है, ये बेसिक। अब हमें पता है कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला क्वेश्चन वैसे तो आएगा नहीं, पर वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण क्या होते हैं, ये वर्ण में लिखूंगे, वर्णों को हम स्वरों में विभाजित करते हैं और व्यंजनों में करते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश की बात करूं तो वहां पे कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ आपको चीजें, फैक्चुअल डाटा लिखाऊंगा, डाटा तो क्या आपको समझ होगी, आपने उसको नोट कर लेना। ठीक है, अब बात करूं मैं वर्णों की स्वर और व्यंजन मिला के उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और साथ में मैं बात करूं लिखित, मतलब लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं और लेखन के आधार पर 55 वर्ण होते हैं, सॉरी 55 नहीं 52 होते हैं, सॉरी 45 में बात करूं मैं, अब 45 जो उच्चारण के आधार पे है उनमें बात करूं जो 10 होते हैं वो स्वर होते हैं, और 10 स्वर हुए, बाकी कितने बच गए, 35 व्यंजन हुए। ठीक है, और जो मैं लेखन के बारे में बात करूं 52, इसमें 13 स्वर होते हैं, 3 स्वर बढ़ जाते हैं, वो मैं बताऊंगा कौन से होते हैं, 13 स्वर बढ़ जाते हैं, 13 हो जाते हैं, 3 बढ़ जाते हैं, साथ में 39 जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं, तो टोटल 52 हो गए। ठीक है, बात करूं स्वर के 3 भाग होते हैं, वैसे तो 5 है, 2 और है वो भी बताऊंगा, 3 मेन जो है, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर ये लिखेंगे क्या होता है, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, बच्चा ये ढंग से करेंगे ना तो ये आगे जाके हमें संधि विच्छेद में भी काम आएंगी चीजें। ठीक है, बेसिक क्योंकि पता नहीं होगा तो आगे के चलेंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और बलूत स्वर, ये तो है। अब एक और चीज है कि मतलब
पीछे इसमें थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप भी था कि कितनी भाषाएं द्रविड़ क्षेत्र होते हैं, वो सब वो आप फैक्चुअल डाटा है वो आप उससे बुक से देख सकते हैं या आपको साइट में मिल जाएगा किसी, या करना चाहेंगे तो मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन उससे बनते नहीं है। ठीक है, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर प्लुत। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? अब स्वर मैंने 10 लिखवाए आपको उच्चारण के बेस में। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। ठीक है, जैसे ठीक है, ये हो गए ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर की बात करूं मैं, इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। एक और चीज बताऊंगा वो बाद में बताता हूँ। प्लुत स्वर होते हैं जिनको बोलने में इनसे और ज्यादा समय लगे। अब संस्कृत के वर्ड होते हैं ना, जैसे ओम हो गया, ये आते हैं प्लुत स्वर में। ठीक है, और यहाँ पे मैं दीर्घ स्वर की बात करूं, अगर ह्रस्व स्वर हो गया ना अ, इसमें साथ में क्या क्या आता है? ए ए ओ औ। ठीक है, ये भी याद रखना, ये मत करना कि छोटा ए जो है वो यहाँ डाल दिया, ये याद रखना ए ए तभी मैंने बाद में लिखवाया ओ ओ, ये भी दीर्घ स्वर में ही आते हैं। पॉज करना। हमने देख लिया कि हमने बोला था 10 स्वर, 10 10 कौन कौन से स्वर हुए जो उच्चारण के आधार पे लिख लेते हैं। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, उच्चारण के आधार पर ये हो गए, उच्चारण के आधार पर उच्चारण, और लेखन में 3 और कौन से जुड़े? अंग और ऋषि, री फॉर ऋषि। ठीक है, ये 3 एक्स्ट्रा जुड़े, तो टोटल 13 हो गए। ठीक है, अब मैं आपको व्यंजन बता देता हूँ। ठीक है, याद रखना इन चीजों को, ये पूछे जाते हैं लेकिन के आधार पे कौन कौन से थे। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं व्यंजन। व्यंजन को बड़ा अच्छा तरीका है, ये देखते रहना, व्यंजन याद रखने हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले लिख लो, ये याद रख लो लाइन, क च ट त व, यहां तक याद रख ली। अब क ख ग घ, अंग, इसको लिखते हैं अंग, अंग लिखते हैं इसको। ठीक है, लिखते हैं ऐसे, अंग बोलते हैं। ठीक है, क ख च छ ज झ, अन्य अन्य बोलते हैं इसको, इय बोलते हैं। ठीक है, इय। अब स्पेलिंग स्पेल, क्योंकि क ट ठ ड ढ न, त ध ध ध ट ठ ड ढ न त ध ध ध न, ये ना है सॉरी, ट ठ ड ढ न त ध ध ध न, प फ ब भ प फ ब भ ब भ म प फ ब भ म। ठीक है, और य र ल व क्ष क्ष ष श श, में बहुत डाउट होता है, श श स ह। ठीक है, द ड क्ष त्रय त्रय ज्ञ श्र। ठीक है, अब ये तो आ गया क वर्ग, वैसे ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग, ये प वर्ग। ठीक है, इतना हो गया। य र ल व को बोलते हैं अंतस्थ, इनको बोलते हैं अंत स्थ व्यंजन, इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। अब ये श श स बोलोगे तो ऊष्म हवा आई अंदर से, तो इनको ऊष्म व्यंजन, इनको बोलते हैं द्विगुण द्विगुण, और इनको बोलते हैं संयुक्त। तो आपसे पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, ये है वो है कोई भी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अंतस्थ कौन से, याद रखना अंतस्थ य र ल व, इसका तो वैसे ही हो गया श श समूह से हवारी या भूष्म, द्विगुण हो गए द ड। अब टोटल कितने हुए देखो, एक लाइन दो लाइन तीन चार पाँच, पाँच एक में पाँच है 25, ये हो गए 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35, यहाँ तक है ये उच्चारण के आधार पे। और जो संयुक्त व्यंजन जुड़े क्ष त्रय ज्ञ श्र श्रफ और श्रमिक, ठीक है, ये आ गए आपके 39 टोटल लेखन के आधार पे, तो टोटल हो गए 52 और वैसे हो गए 45। ठीक है, पॉज करो।
ये क्वेश्चन इसी से बनते हैं कि क वर्ग उच्चारण लिख दिया मैंने, क वर्ग की बात करूं तो क ख ग घ सीधे कंठ से आवाज आ रही है, कोई जीभ का इस्तेमाल नहीं, दांत नहीं बज रहे हैं, होंठ नहीं बज रहे, कंठ गला, ठीक है। क च ट त प, क च ट त प, ठीक है। च की बात करूं, च छ ज, तालु में जीभ, जीभ जो है अपनी आपकी ऊपर वाले हिस्से में लग रही है, वो तालु होता है, तालब में। ट की बात करूं, ट ठ ड ढ ण, ठीक है, ट ठ ड ढ ण। अब ट है मूर्धन्य, अब तालु का पिछला हिस्सा होता है मूर्धन्य, और जब तुम बोलोगे ना तो जीभ तुम्हारी मुड़ेगी, ट ठ मुड़ रही है पीछे बोले हैं मूर्धन्य, ठीक है। त थ द ध न, अब त थ द ध त वर्ग बोलोगे तो दंत दांत में जीभ लग रही है, दंते। और प फ ब भ म, होंठ ओष्ठ, ठीक है। ये तुम्हारे बेसिक से क्वेश्चन है, तुम्हें कैसा आ सकता है कि क वर्ग से मतलब तुम्हें पूछ लिया ख जो है वो कौन सा, कहाँ से उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अब बोला ट का उदाहरण तो तुम बोले ट ट तालु, ये देखना जब तुम बोलोगे ना च च छ तो ये आगे लगेगी यहाँ, और जब तुम ट ठ ट का वर्ग बोलोगे तो उसके थोड़ा पीछे लगेगी, मुड़ेगी जी, ठीक है, बेंड होगी। तो ये याद रखना, ये चीज से क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। और मैं अगर क्वेश्चन की बात करूं, तुमसे पूछा जा सकता है कि ट वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, तो तुम्हें पता होगा अगर ट ठ ड ड तभी लिख दिया आंसर आराम से, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, ठीक है, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। मेनली तो भाई उच्चारण स्थान से क्वेश्चन देखे हैं मैंने, जहां तक मेरे को पता है, ठीक है। और रही बात व्यंजन के पार्ट्स की, तो वह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करो, कमेंट करो। नेक्स्ट सेक्शन इसका आता है हिंदी का, व्यंजन के भाग। हमने स्वर के भाग देख लिए, ह्रस्व दीर्घ और एक देखा हमने प्लूट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन के प्रकार करेंगे। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।